सिर्फ 30 दिनों में पूरी कश्मीर की विफलता, पूरी कश्मीर में जानबूझकर टारगेट किलिंग करना और कश्मीर को बर्बाद करना, उन सब से हटाने के लिए, मुद्दा हटाने के लिए इन लोगों ने ये नया नाटक शुरू किया। कुर्सी स्वतंत्र है, उस पर जो बैठा हुआ है वो हाड़मांस का इंसान है, उसको पूछ के बैठाया गया कि ये कहेंगे, ठीक है, आप पूछिए ना कि ईडी अडानी के घर क्यों नहीं जा रहा है। कश्मीर फाइल रिलीज कर देना, पिक्चर बनाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, कश्मीर को सुदृढ़ करना का प्रधानमंत्री का काम है। लाड़ लेंगे, वो 70 साल कहाँ थे, कभी पूछे हो आप? जेल में डाल देंगे, कोई नहीं डालेगा जेल में, डाल जेल तोड़ के बाहर आ जाएंगे। कि आप देश कैसे बेच रहे हो, LIC कैसे बेचा, ONGC कैसे बेचा, BPCL कैसे बेचा, तो आप पूछिएगा तो समझ में आ जाए। बिल्कुल नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा खत्म हो चुका है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो आप बताइए कि ये देश का विकास है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको जो है ईडी के द्वारा समन भेजा जाता है और ईडी कार्यालय में आज पेश हुए हैं। आज हमारे साथ एक भाई साहब हैं, वो मिल गए हैं, कहें कि इसका एक कारण है कि समय अभी ही क्यों राहुल गांधी को बुलाया गया है और इसके पीछे बहुत ही गहरा साजिश है। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम ईडी कार्यालय पटना में है और भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर गोपाल कृष्ण। आप जो सवाल समय पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि समय पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि 2-3 मुख्य मुद्दा पिछले 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में पूरी कश्मीर की विफलता, पूरी कश्मीर में जानबूझकर टारगेट किलिंग करना और कश्मीर को बर्बाद करना, उन सब से हटाने के लिए, मुद्दा हटाने के लिए इन लोगों ने ये नया नाटक शुरू किया। और एक और बहुत बड़ी बात, पिछले 4-5 दिन पहले ही जो राज्यसभा का परिणाम आया, जो कांग्रेस के बड़े अच्छे परिणाम आए, सुभाष चंद्रा को हराया गया और इन्होंने पूरी ताकत लगाई साम दाम दंड भेद, उसके बावजूद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो ईडी को दुरुपयोग करके श्री राहुल गांधी के प्रति जो ये परेशान करने की जो साजिश है, इसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। ईडी का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं, ईडी तो स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र है, कुर्सी स्वतंत्र है, उस पर जो बैठा हुआ है वो हाड़मांस का इंसान है, उसको पूछ के बैठाया गया कि ये कहेंगे, ठीक है, आप पूछिए ना कि ईडी अडानी के घर क्यों नहीं जा रहा है, ईडी अंबानी घर क्यों नहीं जा रहा है, सुभाष चंद्रा घर क्यों नहीं जा रहा है, कश्मीर में CBI क्यों नहीं जा रही है, रॉ क्यों नहीं जा रही कश्मीर में, क्या हालत बना के रखा है। तो इन्होंने जो ये 1 महीने का जो कश्मीर फाइल रिलीज कर देना, पिक्चर बनाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, कश्मीर को सुदृढ़ करना का प्रधानमंत्री का काम है। काम तो कर ही रहे हैं, कोई काम नहीं, जीरो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जो कार्रवाई, जीरो। हमारे वहां अभी इतनी बड़ी विफलता हुई है फॉरेन पॉलिसी में कि पूरी तरह से एक भी आदमी को वहां बसा नहीं पाए, कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा है। और इस तरह से ध्यान भटकाने के लिए कि कोई इस पर सवाल नहीं करे, कोई ये नहीं करे कि राज्यसभा में 10-11 सीट पर इतनी बड़ी जीत हुई, ये सबसे ध्यान हटकाने के लिए राहुल जी, श्री राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए ये जो साजिश किया जा रहा है, इसी के विरुद्ध में आज ईडी कार्यालय का हम लोग पटना में घेराव कर रहे हैं और पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री सोचते हैं कि पुलिस और फौज के दम पर हम किसी का दमन कर लेंगे, तो ये भारत है, इस भूल में नहीं रहे। सदियों तक हम लोग दुश्मनों से लड़े हैं, कब तक लड़िएगा? लड़ लेंगे, वो 70 साल कहाँ थे, कभी पूछे हो आप? जेल में डाल देंगे, कोई नहीं डालेगा जेल में, डाल जेल तोड़ के बाहर आ जाएंगे। जेल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है, जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल से कैसे डाल देंगे, उनके पास रीजन नहीं है, 2-4 दिन के लिए डाल सकते हैं। और जेल से डरता कौन है, अगर जेल से डरा होता कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ता। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, लड़ाई खाली कांग्रेस से लड़ा क्या, और भी सब लड़े, सभी लोग कांग्रेस के ही सभी में थे, कोई लाला लाजपत राय बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी था ही नहीं उस समय, है ना, वो बीजेपी का लेने का, पटेल कांग्रेस में ही थे, सब लोग कांग्रेस में ही थे, सभी लोग, भगत सिंह कांग्रेस के ही काम करते। पटेल जी का मूर्ति आप बनवाए, वो मूर्ति बनवाए, मूर्ति बनाने से तो वोट बैंक है बॉस, मूर्ति बनाने से क्या होता है, पटेल जी हमारे गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री के बराबर में थे, इन्होंने जो भी फैलाने की कोशिश किया है कि पटेल जी ये वो कुछ नहीं, पटेल जी पंडित नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, बराबरी, पटेल जी को तो प्रधानमंत्री भी सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं और पटेल जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो इसी सब चीजों को हटाने के लिए अभी जो राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड में बताया गया है, अगर एक न्यूज पेपर है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेज के समय भी रहता था और उस समय अंग्रेजों ने भी उनके मालिकों को अंदर में किया, क्योंकि हम सच्चाई छाप रहे थे, आज इनको बुरा लग रहा है कि आप देश कैसे बेच रहे हो, LIC कैसे बेचा, ONGC कैसे बेचा, BPCL कैसे बेचा, तो आप पूछिएगा
तो समझ में आ जाएगा। नहीं रहे, निजीकरण कर रहे हैं, इससे रोजगार बढ़ेगा। उसके रोजगार, तीन शिफ्ट के रोजगार को दो शिफ्ट में किया गया, और दूसरी चीज जो बेच नहीं रहे हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट देश के पास आना चाहिए था, राष्ट्र के पास आना चाहिए था, वो कुछ उद्योगपति के पास जा रहा है। बस यही फर्क है। अब इसको क्या कहोगे? अब नाम दे लो, स्टेक होल्डर नाम दे लो, आईपीओ नाम दे लो, शेयर नाम दे लो, लेकिन हुआ क्या कि जो प्रॉफिट उसका आ रहा था, वो जो देश के पास आता था जिससे देश का विकास कार्यक्रम होता था, वो अब कुछ उद्योगपति गुजराती उद्योगपतियों के पास जा रहा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के विकास में ही के लिए ही कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा खत्म हो चुका है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो आप बताइए कि ये देश का विकास है? जो भी राज्य, जो भी सरकार शिक्षा के विरुद्ध आपके काम करता है, मेरे नजर से वो देश के हित में कहीं से नहीं है। कैसे शिक्षा के विरुद्ध? शिक्षा नीति लाए हैं, शिक्षा नीति लाए हैं। यूपी में अभी पेपर आउट हुआ 10th का, 12th का, TET का, बिहार में BPSC का, और अगर खोजोगे तो 50, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है इसका पेपर आउट नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेंगे क्या? प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है? है कौन है, किसके हाथ प्रशासन है? क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त किया अभी तक? वो BPSC ऐसा परीक्षा बिहार में, उससे बड़ी परीक्षा कोई है क्या? तो अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और 1200-1400 रुपए में सिलेंडर बेचा जा रहा है, 150 रुपए 125 रुपए पेट्रोल बेचा जा रहा है, ये देश हित में है कहीं से नहीं? ये तो वो सब पैसा देश के विकास में ही तो खर्च होगा। कोई विकास में खर्च नहीं होगा, वो अडानी के अन्ना अकाउंट में जा रहा है। 800 लोग विदेश भाग गए, पता कीजिए कौन लोग भागे हैं, और ज्यादातर गुजरात के लोग हैं। किनको पैसा दे के आप ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं? आपने एक पागलपन भरा काम किया नोटबंदी का, उससे बड़ा पागलपन कोई होगा धरती पर? नोटबंदी कैसे पागलपन? पागलपन था, खत्म हो गया इस कंट्री का इकोनॉमी, इस कंट्री की इकोनॉमी। अभी अभी जो ये जो सारा चल रहा है ना, ज्ञान वापी वगैरह और ये सब जो भी ईडी वगैरह, ये फिनेंशियली जो खत्म हो रहा है इकोनॉमिक, उससे ध्यान हटकाने के लिए अभी का हालत आप देख लो, मार्केट खत्म पूरी तरह से, पूरा सरसों तेल 250 रुपए। मोदी जी 5 ट्रिलियन का टारगेट रखे हैं। मोदी जी 5 ट्रिलियन का टारगेट आपके लिए नहीं रखे हैं, वो बिजनेसमैन के लिए रखे हैं। मोदी जी मानसिक रूप से गुलाम है बिजनेसमैन के, मेंटल स्लेव ऑफ द बिजनेसमैन, एंड दे आर नॉट डूइंग फेवर टू दिस नेशन एट ऑल। हाँ, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। हम लोग आज आए हैं, आज पूरा दिन ईडी घेर के रखेंगे, पूरा दिन, जरूरत पड़ा कल घेरेंगे, महीना भर घेर देंगे। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं ना कि डरा लीजिएगा, धमका लीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेज नहीं डरा पाया है ना, ये भारत है, गर्व महसूस होता है भारत में जन्म लेने के बाद। वो भी तो भारत में ही है ना, वो भारत में है, भारत के लिए ही काम कर रहे हैं, वो व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, फर्क समझिए आप, वो व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं। इज वर्किंग फॉर द बिजनेस पर्पस, ओनली बिजनेस। स्कूल में फायदा है कि नहीं वो देख रहे हैं? अरे स्कूल फायदा देखने का चीज है, स्कूल सेवा का चीज है। रेलवे को बेच दिया, किस कानून के तहत अपने रेलवे बेचा? रेलवे पब्लिक सर्विस है। बैंक को बेचा, इंटरेस्ट घटाया, इंटरेस्ट घटाने से जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी उनका आमदनी का जरिया था, पूरे भारत में खत्म, बेरोजगारी चरम सीमा पर। रेलवे में वैकेंसी बंद है, बैंक में वैकेंसी बंद है, आर्मी वगैरह में वैकेंसी बंद है, तो बताओ कि क्या चाहिए? मैं तो आप लोग ऐसे मीडिया का बहुत आभारी हूँ जो आप लोग यहाँ आते हो और हमारी बातों को रखने का मौका देते हो। मैं कहूँगा, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमेशा देश और पब्लिक जनता के साथ खड़ा रहिए, यही हमारा धर्म है जी। तो देखिए, देश और पब्लिक के साथ खड़ा रहिए, यही इनका धर्म है। और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो ईडी कार्यालय पटना को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुके हैं, और इनका कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं, जिस तरह के राहुल गांधी को जब तक रिलीज नहीं किया जाता वहाँ पे, तब तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, और लंबे वक्त तक हम आंदोलन करेंगे और गांधीवादी तरीके से करेंगे। बहरहाल, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।